बच्चे नहीं रखे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो मैं आ गया हूँ अभी छानी में, नूतन नहीं आई है क्योंकि टाइम हो रहा है सुबह के 8, वो घर पे ही सो रही है क्योंकि रात में लेट सोई थी। मैं इधर कुछ पालक वगैरह देखने के लिए आया हूँ, मिल जाए तो, क्योंकि इधर चारों तरफ मुझे ना मटर ही मटर दिख रही है, मटर के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो बराबर में नदी चल रही है यहाँ पे नीचे, मैं आया था उधर की साइड से, वो मंदिर दिख रहा है तो मासु देवता का, ये देख सकते हैं आप लोग। फ्री इसमें दाना पड़ गया है, अभी कुछ में दाना पड़ गया है, कुछ में नहीं पड़ा है, पर ये बहुत मीठी होंगी खाने में, पर मैंने तोड़ूंगा नहीं, कोई कुछ कहने लग जाए। अपने स्वाद के लिए किसी का नुकसान क्यों करें इसे। चारों तरफ मटर ही मटर है, रास्ता कुछ इस तरह की है, इसलिए मैं उसको साथ लेके नहीं आता क्योंकि उसके पेट में ना दर्द होता है चलने में। वैसे इसका हमने साग बनाया था, काफी टेस्टी और लाजवाब इसका साग बना था, पालक फील कर दिया था इसने। यहाँ तो काफी बड़े बड़े पेड़ है, यहाँ पे केले के पेड़ है, उन पर केले भी नहीं आ रहे, केले आते तो तोड़ के ले जाता घर पे, उन्हें पकाता। फिर लोग कितनी मेहनत करते हैं, गिरने का भी डर रहता है, हम बार तो गिर जाएगा नदी में, पटक खाएगा 4-5। चलते हैं फ्रेंड अभी नदी की तरफ। एक तो पहले से ही पैर सूजा हुआ है, उसमें दिक्कत रहती है, नस में दर्द होता है, और यहाँ मैं गिर रहा हूँ यार, तो यहाँ बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा भाई, मदद करिए भगवान। फ्रेंड यहाँ मुझे केले का पेड़ मिल गया है, यहाँ पे कच्चे कच्चे केले हैं, सोच तो रहा हूँ कि तोड़ के ले जाऊं, पर एक डर है कोई कुछ कहे ना। ये आपको दिख रहे हैं ना, केले हैं, यही बड़े हो जाते हैं, ये पत्ती हटेंगी इनके अंदर भी केले निकलेंगे। और भाई छोटू क्या हालचाल है तेरे, इधर ही देख रहे हैं यार, किसी पे फोन कर दिया मुझे, देखते ही मैं निकलता हूँ यहाँ से। अंकल बुला रहे यार, अभी इन लोगों ने मुझे यहाँ पे अब देख लिया है, बुला रहे हैं मुझे, अब पता नहीं क्या बोलेंगे, मुझे तो डर सा लग रहा है। नूर देखने तो नहीं आ रहा था? नहीं, इधर ही रहते हैं, 6-7 महीने से हो गए। अच्छा, इसको भी लिया कर यार, कभी कभी यार, मेरा बेटा यार। क्या नाम है तुम्हारा? अदर। ये फ्रेंड छोटा ट्रैक्टर है, यहाँ की जमीनें ज्यादातर इसी से जोती जाती है। ये क्या ब्रेक है इसमें, एक्सीलेटर वगैरह? तेल कोक तो दो। ये अंकल इसको स्टार्ट करके दिखा रहे हैं किस तरीके से स्टार्ट होता है, फिर किस तरीके से खेतों में काम करता है ये। देखो स्टार्ट हो गया, अभी आप लोग इस ट्रैक्टर को चलता हुआ देख रहे हो, इस तरीके से फाड़ों में जुताई होती है। फ्रेंड पहाड़ों में ज्यादा बड़े तो खेते बना नहीं पाते, छोटी छोटी क्यारी होती है, इन्हीं में अपना टमाटर वमाटर करके गुजारा कर लेते हैं। अभी ये लोग इसमें टमाटर करने की बोल रहे थे। इसको ऊपर ले जाने में काफी मेहनत लगती होगी, है ना? वजन भी है ना, तो आसानी से चला जाएगा पहिए लग के। वैसे यहाँ से ले जाने में लाने में कितनी दिक्कत होती होगी, होगा इसमें वजन 50 किलो के समथिंग होगा? 50 से बल्कि ज्यादा ही होगा, 60-65 तो होगा ही होगा। चल रहे अंकल, ठीक है, नमस्कार। अभी चलते हैं फ्रेंड अपने रूम की तरफ, इनका ट्रैक्टर तो काफी ज्यादा मस्त लगा मुझे। फ्रेंड यार मैं रास्ता भूल गया, अब कहां से रोड की तरफ जाना है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, इतनी खतरनाक रास्ते में से मुझे निकलना पड़ेगा, कांटा सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये गांव से आ रहा है अपनी छानी में, इनसे रास्ता पूछू या ना, पता नहीं ये लोग बताएंगे या नहीं, पूछने का मन तो नहीं कर रहा। खैर फाइनली फ्रेंड रोड की तरफ आ गई। फ्रेंड रूम पे तो हम अपने आ चुके हैं, और देखते हैं नूतन क्या कर रही है। लोग सो रही है, लाड़ो ओए नूतन सो रही है अभी, हैं 9 बज रहे हैं पता है, तू अभी सो रही है, सिर में दर्द है। चलो फ्रेंड इसको सोने देते हैं, मैं झाड़ू बाड़ू लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद नहा लेता हूँ। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है 9:30 और मैं तो उठ गई, कभी कभी ना देर तक सोने का मन करता है, इसलिए थोड़ा देर तक सो ली थी, तो आप लोग बुरा मत मानना। सौरभ भी आगे पानी लेके, मैंने इतनी बार बोला है कि हमारी बाल्टी रखी हुई है घर पे 2-3, उन्हें ले आओ, पर ना लेके आते। ये
की प्रेयर हो रही है यहाँ पे 9:30 बजे। ये देखो कितना मस्त धूप निकल रही है। अबे कोई बारिश को कोई झंझट ना है, जल्दी धूप निकल जाते, ठंड भी धीरे धीरे जा ही रही है। बच्चू भी सामान मेरा नाम करके लांगे ले, तू खा ले कर, तेरे पेट के लिए सही है, बच्चा के लिए, और धीरे धीरे करके खुद ही खाया दवा सामान है, ऐसे है ये। और तू ना खा रही, मैं तो खा लू, खाएगी तो मुंह में जा रहे हैं। तो खाऊंगा यार, एक एक खातू मैं, इतने इतने खाऊं डेली। फ्रेंड कल हमने पनीर टिक्का बनाया, पनीर टिक्का के बाद चिल्ली पनीर भी बनाया, तो बात चक्कर में हमारी दाल रखी जाएगी, तो दाल भूल गई हमारी, तो कोई ध्यान ही ना दो हमने, मैं यार कहाँ फेंक दी था ना। फ्रेंड पानी ना बहुत ठंडा आ रहा है, फिर भी मैं नहाने के लिए जाऊंगा। नूतन तो शाम को नहाई है, 6:30 बजे नहाई थी, 6:30 बजे नहाने गई थी शाम को, मैं नहा के आ रही हूँ, पानी इतना चिल्ड भाई, अभी मैं नहा लूँ। सही है, तू झाड़ू लगा ली, मैं नहाया हूँ, अजीब बात है। मैं नहा के आ गया हूँ, नूतन ने घर का सारा काम कर लिया है, और ये देखो इस गेम में लगी पड़ी है काम कुम करके। इसे बना लेगी तू, एक हाथ बना नहीं बना तो, बच्चे दिमाग वालों का ऐसे थोड़ी ना कि एक एक साइड का बना के ही रह गए। हाँ तो एक साइड को बना, तभी तो सबरे बना, एक साथ सबरे बनते हैं। अब तू ये एक साइड का बना के बैठी है, इधर का बनाएगी तो ये बिगड़ जाएगा तेरा। ये आप लोग बताना कौन से फ्रूट में से बदबू आती है, अब इसको इसमें से बदबू आ रही है, संतरा में से लगती है यार, अच्छा ना लगता। कहने का मतलब ये, तू जबरदस्ती खवा रहा है, कहने का मतलब ये प्रेगनेंसी में हर चीज में से इसमें लाती है, है ना। कौन कह रहा हूँ फ्रेंड, अपने चावल बन के हो गए तैयार, अब मैं जल्दी से ना खा लेता हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है। आजा बच्चे तू भी खा ले, अम्मा भूख न लगी, तू खा ले, खा ले यार, तेना खाई का है, अभी भूख न लग रही, पेट भरा सा लग रहा है। अभी थाली में भी चावल है, कढ़ैया में भी चावल है, तो आपको भूख न लग रही है, थाली क्यों खत्म है जाएंगे, कढ़ैया क्यों खत्म है जाएंगे, फिर नोगी की तेने मुझे चावल ना खवाए। अब कल पनीर बनायो और रोटी तो कल तो खाई ना ही, जब हमें एक रोटी बच गई, और जब एक खेरी के मुँह तेने रोटी ना छोड़ी के मुँह भूख लग रही है। अम्मी अब कुछ नहीं कहूंगा, खा ले तू, खा ले बच्चा, आजा, मुंह पर तो तू खत्म है जाएंगे जब ही। चावल मांगी भाई, बड़ी टेस्टी खुशबू आ रही है, खा ले। ये हमारे चावल, ये हमारी प्याज, और ये हमारी मम्मी का हरी मिर्च। इनकी मम्मी ने ना हमें स्पेशल अचार बना के दिया था, एकदम मसाला लगा के, ज्यादा ज्यादा मसाला लगा के, एक बार बोल दिया था अचार बना दो, खाई दे सब सेट है एकदम। चावल तो मैंने साफ कर दिए, पेट भर गया मेरा। पहाड़ी जो अंकल है ना हमारे, उन्होंने मुझे बुलाया था, पता नहीं क्यों, क्या कुछ बात करनी है भाई, हमारे घर पे आना, तो मैं उनके घर पे चलता हूँ अभी। तो फ्रेंड हम अंकल के घर जा रहे थे, अंकल का घर थोड़ा दूर है, घर पे लकड़ी भी नहीं है, तो हम दूसरी रास्ता पे आ गए, पीछे से इधर जंगल है, इधर से लकड़ी भी बीन लेते हैं और चलेंगे, फिर देखेंगे अंकल के घर चलते हैं या नहीं, अभी पहले लकड़ी ढूंढ लेते हैं। गाड़ी का है, तू तो बैठी हुई आ रही है, मैंने भी कैमरा सेट किया था फ्रेंड, कैमरा गिर गया नीचे, वो तो बची गोजन, कहाँ तक जाते हो नीचे, मिल तो ना मिल तो कुछ पता नहीं। अरे भेड़ो कुतिया, नीचे नहीं तो शर्म नहीं पकड़ जाए।
फ्रेंड मजाक मजाक में हमारा स्टैंड भी टूट गया, ये देखो तूने स्टैंड क्यों तोड़ा। फाइनली सौरभ ने लकड़ी बना ली है, ये लकड़ियां इतनी अच्छी जलती हैं, बस क्या ही कहने की, इनके अंदर ना तेल होता है। ये जो फूल देख पा रहे हैं ये इसी की लकड़ी है, कहते हैं बहुत ही महंगी बिकती है ये लकड़ी। बस फ्रेंड सौरभ शायद डर गए थे जो मैंने आवाज लगाई थी। मम्मा बाबू तू डर गया था क्यों? ये तो वही वाली कहानी हो गई, एक चलाने वाला लड़का था जो किताबों में कहानी आती थी डेली, वो खेत वालों को ना ऐसे डराता था कि मुझे बचाओ शेर आ गया, डेली झूठ बोलता था। एक दिन अचानक से ही रियल में आ गया, उस दिन भी उसने सेम आवाज लगाई थी लेकिन उस दिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया क्योंकि सबने यही सोचा था कि झूठ बोल रहा होगा हर दिन की तरह। ये घने जंगल हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, केवल जंगल, बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। बाबू तू ना मुझे मत लाया कर यार जंगल में। तू तो आ कर रहा हूँ मती ना, अब मेरी चढ़ने उतरने की बिल्कुल भी बस की बात नहीं। लकड़ी गिट्टी कर ली और किसमें बांधे इसको। फ्रेंड बस पहुंचने वाले हैं अंकल के घर। फ्रेंड चलते चलते ना गला सूख गया, तू पर पानी है, पानी पीने चलते हैं। देखिए फ्रेंड ये आड़ू का पेड़ है, अभी फूल आ रहे हैं, आड़ू आना और बाकी है। इस पे क्या रहा है? फल का है, कुछ पेड़ों पे आ गया। हाँ कुछ पेड़ों पे आ गया। अब किसी के घर पे हम लोग पानी पीने आ रखे, देखो कच्चे घर बने हुए ऊपर। चल तो सही, कोई है? है कोई? उधर देख ले पानी हो तो पानी पी ले। कोई है? फ्रेंड वैसे तो कोई नहीं है पर पानी पी लेते हैं हम लोग भाई। बारिश की पूरी व्यवस्था और रखी, लकड़ी उकड़ी सब है, पानी भी चला है इधर पीने के लिए। ये देखिए एकदम ताजा और फ्रेश पानी पहाड़ से आ रखा है, बड़े तेज गला सूख रहा है। थैंक यू भगवान पानी मिल गया, वरना लग रहा था पूरे पहाड़ में पानी नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये देखो किस तरह से नींबू सूख रहे हैं, नींबू सब। अगर इसमें से कोई अगर तोड़ भी लेगा ना तो इनको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ये आड़ू का पेड़ा, आड़ू भी ऐसे आके सूखेंगे लेकिन कोई खाएगा नहीं। लम्बा निकाला हुआ है काट पीट करके, गाय भैंसों के लिए ये। गाय भैंस चूल्हा जलता है, पूरा काला हो रखा है, इसे पता चलता है यहाँ पर खाना बनता है बारिश में। फ्रेंड पानी तो पी लिया हमने पर यहाँ पे कोई है नहीं, सब अपने अपने घर जा रखे नीचे, और बैल फैल भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे केवल जानवरों के लिए खानी बनाई जाती है, केले भी काफी बड़े बड़े आ रखे, कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं पेड़ों पर देख सकते हैं आप। ये देखो गाइस भाई कितना अच्छा पेड़ लग रहा है यार। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। फ्रेंड अभी चलते हैं अंकल के घर पे क्योंकि उनका घर ना इधर थोड़ा चढ़ाई पे है, तो लकड़ी यहीं कहीं रख दे रहे हैं, जब लौट के आएंगे जब ले चलेंगे। बच्चा क्या करिए बता, लेके नहीं जाएगा कोई? ऐसे कैसे ले जाएगा, पलंग तक ला दूं यार इनको। चल नमस्कार अंकल। चल ओ भाई क्या बात है, मेमने पदे पड़े। नमस्ते आंटी। हाँ ठीक है फिर चल रहे बैठिया खड़ी की है इसलिए कटवा ली।
बच्चे नहीं आ रहा क्या? बच्चे बच्चे भी है नहीं। कितने साल हो गए शादी का? शादी को 4-5 साल हो गई। 4-5 साल हो गए तो बच्चे पैदा करने के लिए। देखिए कितना प्यारा सा, मैं इसको खिला रही थी और ये खुद ही आगे खेलने के लिए। ओह माय गॉड, इतना मारेगा इसे बदतमीज। इसे देख, इसे देख, इसे देख, कर गया गर्दन टेढ़ी। देख और भाई ठोडू, और ठोडू ऊपर देख भाई, नहीं देख रहा। दे दे देख, हाल है तेरे? क्या हाल है तेरे? दांत दिखा, दांत गए तेरे। ओह माय गॉड, आगे दांत तेरे। थोड़ा देख रही अपना। तो फ्रेंड अभी चलते हैं घर की तरफ, अंकल जी मिले नहीं, उनके घर वाले मिल गए। बढ़िया, बहुत अच्छा सीन है यहाँ पर। चलते हैं आंटी, बैठ जाओ थोड़ी देर, चाय पानी पीते जाओ। चाय पानी नहीं, खाना खा के आए थे घर से ही। चाय वाय पीते नहीं है, खाना खा रखा हमने। ले ठीक है, नमस्ते आंटी। तुमने देखा होगा फ्रेंड, एक तो अंकल थे उनकी वाइफ थी, और दूसरी थी जो उनकी वाइफ थी ना उनकी मम्मी थी, मतलब जो अंकल की सास थी। घर जमाई बन के रह रहे हैं यहाँ पे, वो तो उधर के हैं, मसूरी साइड। कौन सा गांव बताया था उन्होंने? गढ़वाल के हैं वो। हमसे बच्चे की बोल रही थी कि बच्चा नहीं है तुम पे, एक भी हमने मना कर दिया। फिर पूछ रही थी कि तुम्हारी शादी को कैसे साल हो गए, इसने बोल दिया 4 साल। फिर दोनों माँ बेटी मुँह की तरफ देख रही थी कि 4 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं है। अभी उनको क्या पता कि हमारे पेट में हमारे छोटा सा मुन्ना है, हमने बताया नहीं कि नजर लग जाती। का मतलब दो उंगली रकम है बस। मेरे लिए फ्रेंड घर पे तो पहुंच गए, अब बनाते का जो खावे पियो को, यार भूख लग रही है बहुत तेज। चावल पच गए, तारा बोल। ऐसी सूखी सूखी लकड़ी है, कछु काम ना करो, मैं ना जो करो सौरभ ना करो, लेकिन पेट पे आए वो मेरा। नूतन ने अरबी उबालने के लिए रख दी है, ये वही अरबी है जो हमें अम्मा ने दी थी, मैंने एक दिन बनाई थी और बाकी की रख दी थी। आज बना रहे हैं मरबी आलू उबलेंगी ना लाडू। ये आईडी है हमारे घर, वो दीदी आई थी चैनल बनवा पे, उनकी आईडी कह रही थी हमारी आईडी को सपोर्ट कर दी हो, तो मैंने ये स्क्रीन पर आईडी लगा दी, आप लोग सब्सक्राइब कर ली उनकी आईडी को। फ्रेंड आज को वीडियो हम यहीं खत्म कर दे रहे हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाय।